नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए अशोक तंवर ने दोबारा कांग्रेस में वापसी कर ली है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूर्व हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने कांग्रेस को दोबारा थाम लिया। कांग्रेस का हाथ जो है वो दोबारा थाम चुके हैं। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की मौजूदगी में तंवर कांग्रेस का हिस्सा बन गए। महेंद्रगढ़ रैली में जैसे ही राहुल गांधी अपना भाषण समाप्त किया, मंच से एक घोषणा की गई और दर्शकों से कुछ मिनट इंतजार करने के लिए कहा गया। इसके तुरंत बाद अशोक तंवर मंच पर आए और घोषणा की गई कि आज उनकी घर वापसी हो गई। तंवर को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है और उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मतभेदों के बाद 2019 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शाम 6 बजे समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ही वो पार्टी के अंदर शामिल हो गए थे और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से होते हुए चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन कांग्रेस में शामिल हुए। तो वहीं पर आपको अब वो वीडियो दिखाते हैं जहाँ पर अशोक तंवर मंच के ऊपर पहुंचे और वहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं और आज का ऐतिहासिक दिन महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक धरती इस चीज की गवाह बनी है और ऐतिहासिक जीत आज से आपके यहां से हरियाणा के अंदर होगी। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही। तो वहीं पर माना जा रहा है कि दलित नेता जो अशोक तंवर है उनकी कांग्रेस में वापसी से पार्टी को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी और एक दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनने वाली है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तंवर ने राहुल से हाथ मिलाया है और हुड्डा का अभिवादन भी किया, जिन्होंने पार्टी में उनका स्वागत किया, उनकी पीठ को थपथपाया है और मंच पर वरिष्ठ कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। अशोक तंवर 2022 में आपके अंदर शामिल हुए थे और आप में शामिल होने से पहले वो कुछ समय के लिए तृणमूल कांग्रेस में भी शामिल हो गए थे। अशोक तंवर ने कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सिरसा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। 22 जनवरी 2024 को अशोक तंवर नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए थे और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अप्रैल और मई में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सिरसा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता कुमारी शैलजा के खिलाफ मैदान में उतारा था। हालांकि उन्हें कुमारी शैलजा के हाथों 2.5 लाख से अधिक मतों से हार मिली थी और उस हार का उन्होंने सामना भी किया था। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अशोक तंवर के कांग्रेस में वापसी आने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी और बेहतर हरियाणा के अंदर करती हुई नजर आएगी और जो एक सपना सरकार बनाने का है क्या उस सपने को देखती हुई और उसके नजदीक जाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।